उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आते ही सूबे का सरकारी अमले ने मुख्यमंत्री के मूड को भांपते हुए एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। बिजनौर में भी जिला प्रशासन ने एक्शन में आते हुए सालों से चल रहे एक बूचड़ खाने को सील कर दिया। अल उमर इंटरनेशनल नाम के इस बूचड़ खाने में रोजाना 200 से ज्यादा जानवरों को काटा जा रहा था। यहाँ से रोजाना सैकड़ों टन मीट गल्फ के देशों और चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था। आधुनिक मशीनों से लैस यह बूचड़ खाना इतना आधुनिक है कि यहाँ पर जानवर के सभी अवशेषों को ठिकाने लगा दिया जाता था। सरकार के कड़े रुख की वजह से बूचड़ खाने का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बूचड़ खाने के मालिक का कहना है कि सरकार नाजायज तरीके से उनके कारोबार को बंद कर रही है, जबकि उनके पास सभी तरीके की अनुमति है। लेकिन छापामार टीम में शामिल अधिकारियों का कहना है कि इस प्लांट की परमिशन दिसंबर में खत्म हो गई थी और यह इस समय बिना अनुमति के चल रही है। ये है जी, क्या वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और क्या, बंद करा, वरना तो सारे कागज हमारे पास हैं, सारे लाइसेंस हमारे पास हैं। सिर्फ एक फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस है कि जो दिसंबर में हमारा ख़त्म हो गया था, उसकी भी हमने अप्लाई कर दी। उसकी फीस जो होती है वो भी हमने बैंक में जमा कर दी, एप्लीकेशन भी हमने दे रखी है। अब वो एक अधिकारी है, चार जिले देख रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। कितने लोग आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं भाई जान? लोग तकरीबन 700 आदमी यहाँ काम करते हैं और वो लोग आज सारे बेरोजगार हो जाएंगे। अब आपका क्या एक्शन होगा जी इसके बाद? बस अब एक्शन क्या, हम उन अधिकारी से बात करेंगे जाके अपनी, कि लेकिन भैया जब हमने फीस जमा कर रखी है और हमने आपके यहाँ एप्लीकेशन भी लगा रखी है तो हमारा लाइसेंस बना देते। तो यांत्रिक बूचड़ खाने नहीं चलने दे, कोई बात नहीं है, मगर ये यांत्रिक नहीं है ना, ये सब जगह से अप्रूव्ड है और सारे लाइसेंस हमारे पास मौजूद है, एक एक लाइसेंस हम पे मौजूद है। यांत्रिक ना चलने दे रहे, ना चलने दे, कोई दिक्कत नहीं। ये गोश्त तो प्रोसेस होने के बाद भाईजान बाहर ही जाता है, सब चाइना वगैरह में जाता है, गल्फ में जाता है, कई कंट्रियों में जाता है, और जानवर हमारे लोकल में बाजार लगते हैं, यहाँ से आते हैं। अच्छा, तो ये सील कर दिया गया है, अभी जो जानवर है इनका क्या होगा भाई? अभी ने भाई बाहर भेज देंगे, इन्हें खाना खिलाएंगे, चारा घास डालेंगे, पानी पिलवाएंगे, और क्या करेंगे इनका।